नमस्कार, बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार जीडी रॉबर्ट को वीके कृष्ण मेमन पुरस्कार। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार जीडी रॉबर्ट गोवेंदर को ब्रिटेन में 2019 के वीके कृष्ण मेमन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पत्रकार गोवेंद्र को भारतीय राजनीति एवं नेता वीके कृष्ण मेमन की 123वीं जयंती के मौके पर यह आयोजित एक कार्यक्रम में मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवेंद्र का पत्रकार एवं लेखक के तौर पर करियर करीब 60 वर्षों का था। इसके साथ ही वह ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की केवल श्वेत खेल टीमों के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का आह्वान किया था। कार्यक्रम के बाद ही वे कृष्ण मेमन इंटरव्यू बोर्ड मेमन इंस्टीट्यूट बोर्ड के सदस्य पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय सर्वसम्मानित से लिया गया। वोटिंग के बाद रोड शो पीएम मोदी को चुनाव आयोग से मिली 8वीं और 9वीं क्लीन चिट। लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे मौके आए हैं जब विपक्षी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला उठाया है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग की तरफ से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली है। अब मंगलवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ 8वें और 9वें मामले में भी फिर क्लीन चिट मिल गई है, जिसमें 23 अप्रैल को अहमदाबाद में खतीन रोड शो और कर्नाटक के चित्रकूट में एक भाषण का मामला सामने आया है। दरअसल 23 अप्रैल को गुजरात में पीएम मोदी ने वोट डाला था। जब वो वोट डालने गए थे तब खुली जीप पर मतदान करने गए थे। इसी को लेकर विपक्षी ने शिकायत की थी। ये एक रोड शो के समान है और आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस पर अब चुनाव आयोग की तरफ से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।